हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी आने वाले दिनों के लिए क्या रहेगी। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक ही दिन में रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आपकी एनर्जीज बता रही हूँ कि आपके पर्सन की आगे चल के क्या रीडिंग रहने वाली है, क्या उनके साथ में उनमें क्या चेंज आया है, क्या नहीं आया है, क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। देखो, आपको पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स आ रही है। देखो, ये नाइन ऑफ सॉल्स का कार्ड है, तो इसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर्स आना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। किसके लिए टेंशन आ रहा है अगर पूछे तो? एम्प्रेंस, तो मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, कि यहाँ पर चले तो नहीं गए या उनको भूल तो नहीं गए। स्पेशली जो लोग अपने पर्सन से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है या बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप उनके बगैर बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सोच के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, उनको स्लीपलेस नाइट्स लग रही है, उनको बहुत ज़्यादा एक फियर की एनर्जी, में स्पेशली बोलूँगी इस फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ रही है। उनको एक ईगो बहुत था पहले पास्ट में, आपके पर्सन को मैं बोलूँगी बेसिकली एक ईगो प्रॉब्लम बहुत रही है, अब उनका ईगो डेफिनेटली एक ब्रेक हो रहा है। देखो, इसमें देखो ईगो ब्रेक का कार्ड आ रहा है, देख रहा हूँ, तो इसमें एक डेफिनेटली ईगो ब्रेकिंग का कार्ड आ रहा है। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने आ रही है, उनको लग रहा है कि वो ईगो में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए थे पास्ट में, उसके वजह से वो रॉन्ग चॉइसेस कर रहे थे, वो अपनी हैप्पीनेस को चूज़ नहीं कर रहे थे, या वो अनहेल्दी हैबिट्स या एडिक्शंस में चले गए थे आपके पर्सन, तो वो सब चीज़ उनके अभी ख़त्म हो रही है। अगर उनको कुछ तरह के हैबिट्स भी थी, एडिक्शन इश्यूज़ भी थे, अनहेल्दी हैबिट्स थी, वो भी उनकी ख़त्म हो रही है। उनको पता है वो ओवरकम कर लेंगे ये सब चीज़ों को, ये अभी बड़ी इशू नहीं रह गई। पहले उनको लगता था वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं और डेफिनेटली ओवरकम भी कर रहे हैं। अगर 10-20% भी कर रहे हैं तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, वो 50-80% तक कवर कर लेंगे इस चीज़ को। और उनकी जो ईगो, उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया आपके पर्सन ने, मैं ऐसे बोलूँगी। तो बहुत ज़्यादा उन पर चेंज एक मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। देखो, इसमें देख रहे हैं एक चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस आ रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है, क्योंकि जो गॉड लॉर्ड ऑफ जस्टिस ही उनको है ना समझा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। शायद उनके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी या ऐसी कोई सिचुएशंस उनके सामने आके खड़ी हुई होंगी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे हैं, तो डेफिनेटली ये जस्टिस की वजह से उनके सामने आ रहे हैं। उनको पहले उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे आपके साथ में, या किसी और के साथ में भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो जाते थे, उनको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उनको है ना, वो किसी से एक तलवार उठा रहे तो 5 तलवार उठ जाती थी उनके खिलाफ, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके साथ में हुई हुई है या आपके साथ में हुई हुई है, क्या आपके दोनों के बीच में ऐसे हो जाती थी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो अभी क्या कॉन्फ्लिक्ट से भी दूर भाग रहे हैं, वो ड्रामा से वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा आ रहे हैं, तो उसे समझ रही है सब चीज़ों से भी वो वॉकआउट करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि मुझे ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, या किसी कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, या वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, उनको पता है ये सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने ईगो में आके ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको नहीं चाहते हुए सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे या फंस जाते थे, या उनको कितना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। अब वो चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, अपने एक हाउस की तरफ, एक अबंडेंस की तरफ, अपने हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ वो ये पर्सन बढ़ना चाहता है, ये ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, चाहे वो थर्ड पार्टी का ड्रामा हो, चाहे फैमिली ड्रामा हो, या बिजनेस में कोई ड्रामा हो, या कहीं भी सिचुएशन में लाइफ में ड्रामा हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि उनका व्हील डेफिनेटली चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब गॉड ऑफ फॉर्च्यून ही उनको बता रहा है, पॉजिटिव चेंज उनके अंदर ला रहा है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली उनके अंदर आ रहा है, और एक वाइस काउंसलर का कार्ड भी आ रहा है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ ना कुछ उनको या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके स्टार्ट हुई है, या उनको कोई ना कोई जगह से काउंसलिंग मिल रही है, या कहीं ना कहीं से वो वीडियोज़ देख रहे हैं, ऐसा कुछ उनके साथ में आ रहे हैं, या वो डिवाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास में इतने फियर्स में रह चुके हैं, अभी भी इतने फियर्स में हैं, तो उसके जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प मांगी है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स उनको हेल्प कर रहा है, ऐसे मैं बोलूँगी। तो यूनिवर्स उनको हेल्प कर रहा है ये सब फियर्स से बाहर आने के लिए और एक एक्शन लेने के लिए खुद के ऊपर। जब तक इंसान खुद के ऊपर एक्शन नहीं लेता, वो सामने वाले के लिए एक्शन नहीं ले सकते। पहले उनको खुद को अपनी लाइफ में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो अपने खुद के लाइफ के लिए वो एक्शंस ले रहे हैं बेसिकली। अपनी लाइफ में उनको पहले देखना है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चीज़ नहीं चाहिए, किस चीज़ पे मुझे वर्क करना है, अपनी कौन सी ईगो, जैसे आपने अपने आप पे वर्क किया वैसे ये पर्सन अपने आप पे वर्क डेफिनेटली कर रहा है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है। और उनको पता है कि एक ट्रू डायमंड की किस्मत क्या है,
समझ रहे? वो देखो ये डायमंड परचेज कर रहे हैं, इनको पता है कि जब डायमंड होता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, डायमंड रियल डायमंड बाई करना होता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपने वो जैसे बोलते हो ना कि उनको पता है कि आप ट्रू डायमंड हो, तो उनको अपने आप को भी चेंज करना होगा, अपने आप की वो कीमत जो बोलते हैं ना उनको, अपने आप को सेक्रीफाइस जो अपने लिए आप खुद दूसरों के लिए कर रहे थे खुद के लिए करना है, वो खुद पर वर्क करना भी एक एक पैसा देने के बराबर होता है ना। इंसान खुद पर वर्क नहीं करता है तो वो वर्क वो खुद पर कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी। तो वो चेंज आपके पर्सन में मुझे भी आते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एक मैनेज कर रहे हैं, एक डिसीजंस ले रहे हैं। वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दान धर्म भी कर रहे हो, चैरिटी भी बहुत कर रहे होंगे। ये भी ऐसे एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। जो अब नॉर्मल फोर ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं उसमें पर्सन बहुत माइजर होता है, इसमें जो पर्सन है वो माइजर नहीं है, इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट उल्टा कार्ड है। इसमें पर्सन दे रहा है कुछ ना कुछ, बींग चैरिटेबल, समझ रहे हो? इनको बींग चैरिटेबल होने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा एक जो माइजर थे आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं करने अपनी फीलिंग्स को, तो वो चीज़ में अभी वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं मुझे एक कम्युनिकेशन ओपन करना है, बातचीत करनी है, ये चीज़ डेफिनेटली सोच रहे हैं। देखो आपके पसंद मूविंग ऑन में बोल रहे हैं, मूविंग ऑन वो डेफिनेटली एक बैड फेस से गुड अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो जहाँ पे थे जो फ्रेंड सर्कल था या जो उनके फैमिली मेम्बर्स है या थर्ड पार्टी, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे थे। अब वो चीज़ों से वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, तो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली वो कर रहे हैं। उनको बहुत स्ट्रांग टेम्पटेशन आपकी तरफ, एक टेम्पटेशन उनको बहुत खींचती आपकी तरफ, एक खिंचाव आपके तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेफिनेटली फील करते हैं वो आपसे, और आपके साथ में रहना उनका या आपके साथ में इंजॉय करना या सेलिब्रेट करना उनकी एक इच्छा है, ऐसे भी बोल सकते हो। उनको पता है कि आपने या उन्होंने बहुत ज़्यादा सफरिंग एंड साइलेंस, उन्होंने साइलेंस में बहुत सफ़र किया है अकेले में। मुझे लग रहा है ये पर्सन का 9 मेंबर का बार बार कार्ड आ रहा है, ये पर्सन सफरिंग बहुत कर रहा है एक प्रेजेंट में, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में सफरिंग चली है या सफ़र कर रहे हैं अकेले में, बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक लोगों से बिहेवियर था कम्प्लीटली उनके साथ में इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, वो उनके साथ में ज़्यादा घुल मिलते नहीं है। इनका एक हार्ट चक्र एक्टिवेशन का भी कार्ड आ रहा है, जब हार्ट चक्र एक्टिवेशन आता है तो इंसान एक डेफिनेटली लविंग एनर्जी में आता है, एक फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने लग जाता है, तो वो भी उनके साथ में हो रहा है। तो ये आपके पर्सन की बेसिकली बोलूँगी कि करंट एनर्जी एट प्रेजेंट चल रही है, वो अपना उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना तभी हाई एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली ऊपर हायर चक्रस में पहुंचती है, तभी वो लोअर चक्रस से हायर चक्रस में आने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिंबल होता है हार्ट चक्र का एक्टिवेशन होना, क्योंकि हार्ट चक्र एक मीडिएटर का काम करता है लोअर चक्र और हायर चक्रस में। तो ये एक्टिवेट होता है तो डेफिनेटली ये भी लोअर एनर्जीज को ऊपर खींचने में बहुत मदद करता है। इसलिए अगर आप सपोज अभी भी किसी को कर्सिंग एनर्जी में हो, या बहुत ज़्यादा किसी को ऐसे हम बोलते हैं ना बद्दुआ दे देते हो, या किसी को फॉरगेट नहीं कर पा सकते हो, फॉरगिव नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप वो एनर्जी से बाहर निकलिए, जो कुछ जिसने जो किया है उसको करने दीजिए, उसको बोले वो उसका कर्मा था, उसने मेरा कर्मा क्लियर करने में मुझे हेल्प किया, ये सोच के आगे बढ़िए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर लाइफ होगी। तो ये आप करने की कोशिश कीजिए, देखो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटर ऑटोमेटिकली लोगों को फॉरगिव करना चाहने लगते हो, और ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के अंदर आपके अंदर एक हार्ट कनेक्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, एक हार्ट से हार्ट कनेक्शन है, वो कनेक्शन पावर बहुत और स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और डेफिनेटली उनके अंदर भी लव फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये डेफिनेटली कीजिए और देखिए फर्क देखिए अपनी लाइफ में। ओ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।